स्वागत है सबको हमारे चैनल सादा माटा द सिंपल रेसिपी विद देसी तड़का में। हमारी शेफ है मीरा। चलिए दोस्तों, आज एक नॉन वेज रेसिपी हम ट्राई करते हैं जिसका नाम है छोला कीमा। दोस्तों ये रेसिपी खाने में बहुत ही अच्छी है और आपके घर को सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसे आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है नमक। इसके बाद हम ले लेते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक। इसी के साथ हम ले लेंगे चीनी यानी कि शुगर और हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मसाला का। और देख लेते हैं बे लीव्स और कुछ क्यूमिन सीड्स। अब ले लेते हैं जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। इसके बाद चलते हैं ऑयल। हमें फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल चाहिए। जिंजर यानी कि अदरक को घिस के रखा है यहाँ पे मैंने। ऑनियन यानी कि प्याज को बारीक काट लिया है। इसके बाद टमाटर जिसको भी हमने बारीक काट के रखा है। इसी के साथ आप जितना मिर्ची खाना चाहें, जितना तीखा करना चाहें उस हिसाब से आप ग्रीन चिलीज ले लें। आलू को कुछ इस शेप में मैंने काट लिया है। इसके बाद मेन इंग्रेडिएंट कीमा। कीमा को हम धो के रेडी करके रखेंगे। और इसी के साथ हमें चाहिए काबली चना यानी के बड़े बड़े छोले। लीजिए पहले एक पॉट में मैंने ले लिया और इसको पहले हम अच्छी तरह से भिगो के रख देंगे कुछ घंटों के लिए। इसके बाद कुकर में हम इसको और आलू को दोनों को एक साथ अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। 3 विसल्स तक इसको बॉईल करेंगे। इसके बाद खोल के देख लेते हैं कि ये अच्छी तरह से बॉईल हुआ है कि नहीं। देखिए आलू और ये छोले अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। कीमा को हमने ले लिया है। कीमा को हम अच्छी तरह से धो के रेडी कर लेंगे। लीजिए कीमा धुल के रेडी है। अब इसमें टर्मरिक दे देते हैं और इसी के साथ हम दे देंगे थोड़ा सा नमक। हल्दी और नमक दोनों दे दिया हमने इसमें। अब इसके बाद हम ड्राई मसालेस दे देंगे, कोरिएंडर सीड, क्यूमन सीड, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमन पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च यानी धनिया, जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम दे देंगे जिंजर यानी कि अदरक पिसा हुआ। थोड़ा सा यहाँ पर हम चीनी देंगे। आप चाहे तो पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 1 चम्मच के करीब। और यहाँ पे थोड़ा सा हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। लीजिए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ हम अच्छी तरह से कीमा के साथ मिक्स कर लेंगे। कीमा में मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए और इसको हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए लगभग 25 से 30 मिनट तक। मैरिनेट हो जाए उस वक्त हम बना लेते हैं। कढ़ाई बिठा दी है मैंने यहाँ पे और मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। ऑयल दे देते हैं। मैंने पूरी रेसिपी मस्टर्ड ऑयल से बनाई है। ऑयल गर्म हो जाए तो क्यूमिन सीड यानी कि ज़ीरा हम छोड़ देंगे क्रैकल होने के लिए। इसके बाद हम दे देंगे सबसे पहले हमारा मैरिनेट हुआ कीमा। इस कीमे को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये जो हमारा कीमा है ये अच्छी तरह से पूरी तरह से एकदम तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। लीजिए रेडी हो गया है, अलग बर्तन में निकाल लिया। उसी पॉट में हम थोड़ा और ऑयल दे देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे क्यूमिन सीड्स और बेली जो भी बची हुई थी। उस क्यूमिन सीड और बेलीव्स को हम दे देते हैं। ये थोड़ा क्रैकल हो जाए तो इसके बाद हम ऑनियन दे देंगे यानी कि प्याज दे देंगे और इन तीनों चीज़ को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे। हम प्याज में थोड़ा सा नमक दे दे रहे हैं और थोड़ी सी हल्दी पाउडर इस वक्त दे देते हैं और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। नमक देते वक्त ध्यान रखिएगा क्योंकि नमक हमने 2 बार या 3 बार इस्तेमाल करना है तो इस हिसाब से आप नमक का रेशियो दीजिएगा। लीजिए प्याज थोड़ा पक गया है, कलर चेंज हो गया। इस वक्त हम ग्रीन चिलीज और अदरक जो था उसको भी दे देते हैं। इसी के साथ हम दे देंगे ड्राई मसाले, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च यानी कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, तीनों दे देते हैं।
और इसी के साथ हम हल्दी पाउडर दे देते हैं, ये फाइनल मसाला है, और इसी के साथ हम सॉल्ट भी दे देंगे। तो टोटल हमारा जितना भी सॉल्ट लगेगा ये हम एज्यूम करके इस वक्त दे देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे मसालों को प्याज के साथ हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ऑयल निकलने तक। इसके बाद फ्राई हो जाए उसके बाद हम टमाटर दे दे रहे हैं और टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई करके इसमें पूरा स्मैश हो जाना चाहिए टमाटर। देखिए टमाटर पूरी तरह से पिघल चुका है हमारा। अब इसके बाद हम इसमें दे देते हैं बॉयल किया हुआ आलू और कबली चना। लीजिए बॉयल किया हुआ आलू और कबली चना में मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और ये चना और आलू को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। लीजिए इसको अच्छी तरह से चला लिया और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। थोड़ी देर बाद हम इसमें दे देंगे फ्राई किया हुआ कीमा जो हमने अलग से निकाल के रखा था। फ्राई किया हुआ कीमा दे दिया है, अब इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और इसको भी हम थोड़ा सब कुछ एक साथ फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हम देख लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है हर तरफ से। इसके बाद हम इसमें पानी दे देंगे। ये पानी वही पानी है जो बॉयल किया हुआ पानी था हमारा आलू और ये जो हमारा कबली चना था उसका जो बॉयल किया हुआ पानी था उसी को मैंने दे दिया है। इससे उसका जो फ्लेवर रहता है ये और भी एनरिच होता है। ये अच्छी तरह से उबलने लगे उस वक्त हम यहाँ पे गरम मसाला दे देंगे। गरम मसाला देने के बाद गरम मसाला को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम उबाल लेंगे। जितना आपको पानी रखना है, जितना आपको ग्रेवी बनाना है उस हिसाब से आप पानी रखिए और हो जाए तो उसके बाद आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और लीजिए तैयार है गर्मा गर्म बहुत ही लजीज कीमा आलू और छोले की आपकी रेसिपी। दोस्तों हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और साथ ही आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। हैप्पी कुकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।